सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में गणित विषय का जो कोर्स दिया गया है दीक्षा ऐप पे, उसमें आप देखेंगे गणित विषय में हर एक मॉड्यूल में लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको यहीं पे करके सबमिट कर देने हैं ऐप में ही, और कुछ नहीं करना है। तो उसके उत्तर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इससे पहले चार मॉड्यूल के मैं बता चुका हूँ, पाँचवें और छठवें मॉड्यूल का मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपके पाँचवें और छठवें मॉड्यूल में जो प्रश्न है उनका उत्तर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्या क्या उत्तर है। देखिए, पहला जो प्रश्न दिया गया है वह समानुपात का प्रश्न है, और यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए, 5:8 समानुपाते 6:x एक्स यहाँ पे लिखा है, में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक्स यहाँ लास्ट में है, में के पहले भी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का मान जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो 15 का गुणा एक्स में हो जाएगा। देखिए, बाह्य पदों का गुणा होता है बराबर मध्य पदों के, तो बाह्य पदों का गुणा हो जाएगा 15 × x और बराबर मध्य पदों का गुणा कितना हो जाएगा, 8 × 6, 8 × 6 = 48 होता है। तो 48 सीधे हम लोग लिख लेते हैं। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 48/15। अब 15 से काटेंगे तो 3 यहाँ पे शेष बचेगा, 3 और दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 30। 30 को फिर से हम 15 से काटेंगे तो दो बार में, तो 3.2 जो हो जाएगा वह उत्तर मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है 1/12 और 1/25 का मध्यानुपाती होगा। तो मध्यानुपाती दोस्तों मैंने आपको बताया कि वितत अनुपात में होता है। अब देखिए, इसका मध्यानुपाती किस प्रकार से निकालते हैं, 1/12 है और मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना है। नहीं पता है तो एक्स मान लीजिए, फिर कॉमा 1/75। ठीक है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो यहाँ इस प्रकार से बीच में एक्स को मानेंगे, और यह सभी जो मध्यानुपाती होता है वह वितत अनुपात में होता है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं यह मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वितत अनुपात मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है, वितत अनुपात में किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, पहले हम लोग 1/12 से x जाएंगे, यानी कि 1/12 अनुपात x लिखेंगे, फिर x से ही कंटिन्यू करेंगे और तीसरे पद पर जाएंगे, यानी कि लिखेंगे समानुपाते x अनुपाते 1/75। ठीक है, अब समानुपात में आ गया है, अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना। देखिए, बीच वालों पदों का गुणा होगा एक्स स्क्वायर और बाह्य पदों का गुणा होगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/12 × 1/75 के। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा करणी में 1/12 × 75। तो 12 × 75 कितना होता है, 12 × 75, 12 का गुणा 75 में करेंगे तो 12 × 5 = 60 और 12 × 7 = 84 और 60 का 6 बचा हुआ है तो 84 में 6 जुड़ जाएगा तो 90 हो जाएगा, यानी कि करणी में आ जाएगा 1/900। अब दोस्तों करणी में 1/900 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स का मान 1/30। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न है 5:15 × 105 समानुपाती हैं, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी वही करना है, बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर दिखाना है और यहाँ पे एक्स का मान हमको मिल जाएगा 35। ठीक है, अब यहाँ पर भी बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि 5:5 समानुपाते एक्स अनुपाते 45। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का मान सीधे आपको दिख रहा होगा 45, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, 35 रुपये को 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो यह कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप सीधे सीधे गुणा करके जोड़ दीजिए। ठीक है, जो अनुपात दिया गया है उसमें एक्स का गुणा करके जोड़ दीजिए, तो 3x + 4x बराबर हो जाएगा 35 के। ठीक है, और 7x = 35 आ जाएगा और x बराबर हमको मिल जाएगा 7×5 = 35 होता है, 7 से कट जाएगा 35, 5 बार में x का मान हमको मिल जाएगा 5। अब जब x का मान 5 मिल गया
तो फिर से ये 3x कितना होगा और ये 4x कितना होगा, 3x होगा 15 और 4x होगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 16x 144 वितता अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो वितत अनुपात में दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, 16x और 144 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले 16 से x जाएंगे तो इसको लिखेंगे 16 अनुपात x, फिर देखिए x से कंटिन्यू निरंतरता होता है वितत अनुपात में, तो इसलिए फिर से हम x से चलेंगे तो x अनुपात 144 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के बराबर यानी कि x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 गुणे 144 के, ठीक है। तो x स्क्वायर है, अब x केवल लिखेंगे तो ये कर्णी में जाएगा, 16 और 144 दोनों गुणे में है। तो दोस्तों 16 किसका वर्ग होता है, 16 4 का और 144 12 का, तो 4 गुणे 12 है उत्तर में हमको मिल जाएगा, और 4 का 12 में गुणा होगा तो 48, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 48। अब इसके बाद देखिए 10 55 66 द्वितीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे द्वितीय अनुपाती हमको ज्ञात करना है, यानी कि 10x 55 और 66 इस प्रकार से ज्ञात करना है, और ये सभी समानुपात में होंगे, तो 10 अनुपाते x समानुपाते 55 अनुपाते 66। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो देखिए 55x बराबर मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा, तो ये हो जाएगा 66 गुणे 10, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 66 गुणे 10 बटे 55, तो लिख लीजिए x बराबर हो जाएगा 66 गुणे 10 बटे 55। अब 11 से ऊपर नीचे काट सकते हैं, 5 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा, और 5 से 10 को काट देंगे दो बार में, और x की वैल्यू आ जाएगी 6 गुणे 2 यानी कि 12। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 3 12 और 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे चतुर्थानुपाती कितना हो जाएगा, 3 12 15 और चतुर्थानुपाती नहीं पता है तो x मान लीजिए। अब इनको समानुपात में दिखा दीजिए, 3 अनुपाते 12 समानुपाते 15 अनुपाते x, ठीक है। तो 3 गुणे x बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों यानी 12 गुणे 15, ठीक है। और x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 3 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 का गुणा 15 में हो जाएगा, तो 15 चौका 60। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 16 और 40 का तृतीयानुपाती होगा। तो देखिए 16 और 40 का तृतीयानुपाती नहीं पता है तो x मान लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीन पद हैं और तृतीयानुपाती में ये क्या होते हैं, वितत अनुपात में होते हैं, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर हो जाएगा, वितत अनुपात में होते हैं, तो इनको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 16 अनुपात 40 और फिर 40 से कंटिन्यू करेंगे तो 40 अनुपात x, ठीक है। तो यहाँ पे बाह्य पदों का गुणा करेंगे तो 16 गुणे x बराबर होगा मध्य पदों के गुणा के यानी कि 1600, ये आ जाएगा 40 गुणे 40 यहाँ पे, ठीक है। और x की वैल्यू आ जाएगी 1600 बटे 16 यानी कि 100, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 और 54 का मध्यानुपाती है। तो 6 और 54 का मध्यानुपाती 6x और 54, अब इसको लिखेंगे समानुपात में तो वितत अनुपात यहाँ पे होता है, तो किस प्रकार से दिखाएंगे, 6 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 54, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6 गुणे 54, 6 का गुणा होगा 54 में, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 6 का गुणा हो रहा है 54 में, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2 और 6 पच्चे 30 और हासिल 2 32, तो ये हो जाएगा 324 और x की वैल्यू आ जाएगी वह कर्णी में 324, और कर्णी में 324 किसके बराबर होगा, 324 किसका वर्ग होता है, 324 18 का वर्ग होता है, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी दोस्तों वह आ जाएगी 18। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पांचवें मॉड्यूल में 10 प्रश्न दिए गए थे, 10 प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया है।
अब हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपको आपका स्कोर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पांचवें मॉड्यूल का स्कोर आप अपना देख लीजिए, 10 में से 10 आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। अब हम लोग अगला मॉड्यूल देखेंगे, छठवां मॉड्यूल। अब यहाँ पे छठवां मॉड्यूल दोस्तों हम शुरू करते हैं। देखिए छठवें मॉड्यूल का पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि a बराबर 10 तो, अब इसको a2 आप लोग मत पढ़िएगा, a2 नहीं है, a का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ये a का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो यदि a बराबर 10 हो तो a के स्क्वायर का मान कितना होगा, a का दो बार गुणा यानी कि 10 का दो बार गुणा, 10 का दो बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 32 बराबर 2x तो x का मान होगा, तो x का मान दोस्तों यहाँ पे आप निकालेंगे तो 16 आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है जिसमें 16 दिया गया हो, कोई आसपास भी नहीं है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिए ऐसे ही बिना कोई सिलेक्ट किए। अब तीसरा प्रश्न देखिए, 61 × 61 × 61 × 61 का घातांकीय रूप है, तो यहाँ पे 61 का गुणा 5 बार हो रहा है, तो 61 को यहाँ पे हम लोग किस प्रकार इसको घात के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लोग घात के रूप में लिख सकते हैं 61 × 5, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये घात के रूप में नहीं लिख पाए हैं, इन्होंने बगल में लिखा है, तो 61 × 5 इस प्रकार से इन्होंने दिखाया है चौथे ऑप्शन में, तो इसको सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर लीजिएगा। अब घातांक चैप्टर दोस्तों जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी के प्रश्न चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा। और अगर घातांक चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है वह आपने नहीं देखा है, घातांक के रूल्स मैंने दोस्तों बताए हैं, अगर आपने वह रूल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, उन पे आधारित प्रश्नों को जो मैंने कराया है वो कर लिए हैं, तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ बहुत सरल प्रश्न दिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, √2 × 5 है भागा √2 × 8 है, ठीक है। तो इसका मान पूछ रहा है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा होगा, तो देखिए घात का रूल दोस्तों मैंने आपको बताया है कि घातांक का नियम दोस्तों मैंने आपको बताया है कि x के घाते अगर m हो और बटे में x के घाते n हो तो क्या होता है, इसको लिख सकते हैं x के घाते m माइनस n, तो वही रूल यहाँ पर हम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा √2 × 5 − 8 इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा √2 × √3, और किसी भी संख्या के घात में अगर ऋण में है संख्या तो उसे हम लोग 1 / 1 ले जा करके धन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √2 × 3। देखिए घात जो हो जाएगी वह पॉजिटिव में हो जाएगी क्योंकि 1 / 1 के रूप में हमने लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए √2 यहाँ पे 3 बार गुणा हो रहा है हर में, तो √2 × 3, ठीक है। जब ऑड बार विषम बार ऋणात्मक संख्या का गुणा होता है तो ऋण आता है, ठीक है, तो बटे में पहले ही ऋण लगा देंगे और ये हो जाएगा 2 × 3, ठीक है। तो 2 × 3 होगा 8, ठीक है। तो मान जो आ जाएगा वह √1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न है, √1 × 49 लिखा गया है, ठीक है, और भागा √1 × 25 लिखा हुआ है, तो √1 × 49 है और भाग में √1 × 25 है, ठीक है। तो वही रूल यहाँ पे भी लगेगा, तो आप चाहें दोस्तों जो मैंने पिछले क्वेश्चन में रूल बताया था वो आप इस प्रश्न में लगा सकते हैं, वो रूल आप लगाएंगे इस प्रश्न में, तो √1 × 49 − 25 हो जाएगा, यानी √1 × 24 हो जाएगा, तो √1 × 24 यानी कि सम संख्या है √1 में, ठीक है। तो 1 का गुणा कितनी बार भी करिए आप 1 आता है, और √1 का गुणा आप अगर सम बार कर रहे हैं तो -1 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दूसरा ऑप्शन है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, और आप चाहें तो √1 × 49 है तो इसको √1 लिख लीजिए, और बटे में √1 × 25 है तो इसे √1 लिख लीजिए, ठीक है। तो ऊपर नीचे √1 मिल जाएगा आपको, तो माइनस माइनस कट जाएगा तब भी आपको उत्तर 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीकों में से चाहे जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो दूसरा यहाँ पे सही हो गया।
इसके बाद वाले प्रश्न में देखिए कि रिक्त स्थान भरने को कहा गया है। तो अब अगर दोस्तों हम रिक्त स्थान की जगह x रख लेते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, तो ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे, नेक्स्ट क्लिक कर देंगे बिना किसी ऑप्शन को सेलेक्ट किए हुए, ठीक है। अब देखिए फिर अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया, ऋण 3 के घाते 4 है भागा ऋण 3 के घाते 2 है, ठीक है। तो वही करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे घातांक वाले नियम से, x के पावर m माइनस n इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 - 2 हो जाएगा घात में, यानी कि ऋण 3 के घाते 2 आ जाएगा अंश में, और ऋण 3 का 2 बार गुणा होगा तो आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन, अब तीसरा चौथा यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन 1 - 9 इसको देना चाहिए था यहाँ पे। तो अब देखिए क्रम इसने लिखा है +81 - 81 + 9 - 9, तो तीसरा ऑप्शन हम सही लगा रहे हैं इस तरीके से कि तीसरा ऑप्शन इसने सही लिया होगा, ठीक है। अब +9 यहाँ उत्तर आ जाएगा। अब नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट है देखिए 59 * 54 / 58 का मान होगा, और सारे ऑप्शंस यहाँ पे आप देखिए सब 59 दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ मिसप्रिंटिंग लग रही है, तो इसको भी हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है देखिए 34 का मान होगा, अब ये 34 नहीं है दोस्तों, देखिए मैंने 34 पढ़ दिया, ये 3 के घाते 4 है। तो 3 का गुणा आप 4 बार करिए, 3 * 9 = 9 - 27 और 27 * 81, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 128 का घातांकीय रूप है, मतलब कि 128 को अगर हम लोग किसी संख्या के घात के रूप में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 128 को अगर दोस्तों हम घात के रूप में लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, देखिए 2 * 2 = 8 * 16 * 32 * 64 * 128 होता है। तो यहाँ पे देखिए कितने 2 हैं, 3 * 3 = 6 = 7, यानी कि 2 के घाते 7 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको 27 दिख रहा है, यह 27 नहीं है, यह 2 के घाते 7 है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 क्वेश्चन दिए थे, 7 हमने किए हैं और 3 क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए हैं क्योंकि गलत क्वेश्चन दिए थे। 7 क्वेश्चन का हमने उत्तर दिया है, तो देखिए हमारे 7 में 7 आने चाहिए। सबमिट कर दिया हमने, अब देख लेते हैं हम लोग अपने स्कोर। तो देखिए 7 क्वेश्चन जो हमने किए हैं वह हमने बिल्कुल सही सही किए हैं, ठीक है, और 3 क्वेश्चन हमने स्किप ही कर दिया था। तो यहाँ पे हमारा जो स्कोर आ गया है वह 7 आ गया है। तो इस प्रकार दोस्तों जो आपका 5वां और 6वां मॉड्यूल है वह भी हमने कर लिया। अब ऐसे ही करके दोस्तों हम लोग जल्द से जल्द आपके सभी मॉड्यूल को देख लेंगे, 45 मॉड्यूल दिए गए हैं, और दोस्तों साथ ही हम लोग आपके क्लासेस को भी आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्लासेस भी देखना आप मत भूलिए, गणित की क्लासेस का भी लिंक और बाकी विषय के जो असाइनमेंट्स कराए जा रहे हैं सभी का लिंक ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और चैनल पे विजिट भी दोस्तों आप लोग कर लिया करिए कि चैनल पे क्या क्या कंटेंट है, उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई करते रहा करिए। हम लोग लगातार आप लोग के लिए काम कर रहे हैं, लगातार आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग भी लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल बेल आइकन होगा उसको क्लिक कर लीजिए। इस वीडियो को दोस्तों आप अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक अभी तक आपने नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब के बगल ज्वाइन बटन होगा, चैनल का मेंबर आप बन सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं और विभिन्न लाभ आप उठा सकते हैं चैनल से, ठीक है। सभी विषयों का कंबाइंड पीडीएफ दोस्तों आपको मिलेगा, और आप चाहें तो हमसे पर्सनली बात भी करके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमसे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, माता पिता से प्यार करिए, देश से प्यार करिए। जय हिंद।